फ्रेंड्स, लाइफ में रंगों का बड़ा महत्व है। जहां कपड़ों में मौजूद रंग हमें स्टाइल और फैशन से जोड़ते हैं, वहीं प्रकृति से जुड़े रंग हमें खूबसूरत दुनिया में रहने का एहसास कराते हैं। मगर रंगों का महत्व यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि फूड आइटम्स में मौजूद रंगों का भी अपना अलग महत्व है। यह रंग हमें अच्छी सेहत का तोहफा देते हैं। हम रोजाना तरह तरह के फूड आइटम्स का सेवन करते हैं। ये सभी अलग अलग रंग के होते हैं, मगर कभी आपने यह सोचा है कि अलग अलग फूड आइटम्स में मौजूद रंगों का हेल्थ से क्या कनेक्शन होता है? जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं फूड आइटम से जुड़े रंगों के सेहत से जुड़े अनोखे फायदों के बारे में, ताकि इन फायदों के जानने के बाद आप रेनबो डाइट को अपने खाने में शामिल कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो जानते हैं क्यों होते हैं रंग बिरंगे फूड आइटम्स। फ्रेंड्स, फल व सब्जियों में मौजूद रंग कई प्रकार के होते हैं। ये रंग हमें उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन व मिनरल्स प्रदान करते हैं। मगर सवाल यह उठता है कि फलों और सब्जियों में मौजूद रंगों का निर्माण कैसे होता है? इसका जवाब है कि फलों और सब्जियों में तीन मुख्य पिगमेंट्स होते हैं। इन्हीं पिगमेंट से रंगों का निर्माण होता है। जैसे फ्लेविनॉइड्स फलों को ब्लू, क्रीम और लाल रंग प्रदान करता है, वहीं क्लोरोफिल से सब्जियों को हरा रंग मिलता है, और फलों में कैरोटीनॉइड्स की मौजूदगी से उनका रंग नारंगी या पीला दिखाई देता है। इसके अलावा आपने सफेद, ब्राउन और बीज कलर के फल और सब्जियां भी खाए होंगे। यह रंग उनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से दिखाई देता है। इस तरह कहा जा सकता है कि फूड के रंग से उसमें मौजूद पोषक तत्वों का अनुमान लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, सेहत के लिए व्हाइट कलर फूड, गोभी, मूली, सिंघाड़ा, प्याज, शलगम और मशरूम आपने खूब खाए होंगे। प्याज और मूली का सेवन हो सकता है आप लगभग रोज ही सलाद और सब्जी बनाने में करते होंगे। इन सभी का रंग सफेद होता है। क्या आपको पता है कि इस रंग की वजह से ये फूड आइटम्स मन को शांत रखते हैं और साथ ही आपके फेफड़ों को भी साफ रखते हैं। इनसे आंखों की रोशनी भी बेहतर होती है। इन्हें रोजाना अपनी डाइट में शामिल करने से आप पूरा दिन अच्छा महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, हरे रंग की सब्जियों के फायदे। सब्जियों और फलों में हरा रंग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। घर में बड़े बुजुर्ग भी हमेशा हरी सब्जियां खाने की हिदायत देते हैं, मगर कभी कोई यह नहीं बताता कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के फायदे क्या होते हैं। वैसे बड़े बुजुर्ग जो भी कहते हैं सही कहते हैं। वाकई ग्रीन फूड आइटम्स सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। सबसे ज्यादा तो इन्हें खाने का फायदा लिवर को मिलता है। अगर आपको लिवर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो ग्रीन फूड आइटम्स को अपने आहार में शामिल करें। आप कीवी, अंगूर, भिंडी, पालक, करेला और ब्रोकली को आहार में शामिल कर लिवर की समस्या से निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, लाल रंग की सब्जियों और फल में छुपे होते हैं ये फायदे। फलों में लाल रंग बहुत पाया जाता है। यह रंग देखने में जितना आकर्षक लगता है उससे कहीं ज्यादा यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इस रंग की सब्जियों और फलों का रोज सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। अगर आपको सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी और बीटरूट पसंद हैं तो इसे रोज ही अपने आहार में शामिल करें। हो सके तो अनार, संतरा और गाजर भी खाएं। ये भी लाल रंग के होते हैं और बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। फ्रेंड्स, पीले रंग की फूड आइटम्स के अनेक फायदे। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर आप हर वक्त बेवजह की चिंता में डूबे रहते हैं तो पीले रंग का फल आपको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और आपकी चिंता और गुस्से को दूर कर देगा। इसके साथ ही इस रंग के फल और सब्जियों की एक खासियत और भी होती है कि यह पेट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको पेट से संबंधित दिखते हैं तो आपको मक्का, पीली दालें, शिमला मिर्च, खरबूजा, केला और अनानास खाना चाहिए। इन सबके साथ ही अगर आप नींबू का रस और आम और केले का शेक पीते हैं तो यह भी आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ब्लू, ब्राउन और बैंगनी रंग के फूड आइटम्स के फायदे। बैंगनी रंग की बात की जाए तो यह रॉयल्टी का प्रतीक होता है, वहीं ब्लू कलर ट्रस्ट का। मगर बात जब इन रंगों के फूड आइटम्स के सेहतमंद होने की आती है तो नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन स्टडी द्वारा किया गया सर्वे कहता है कि जो लोग इस रंग के फल और सब्जियों को रोज खाते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर और लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होने की संभावनाएं कम होती हैं और उनका वजन भी कभी नहीं बढ़ता। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बने रहे आयुर्वेद गाइड चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें आज ही और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए।